नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब बहुत कम समय बचे हुए हैं। आपको बता दें कि जो पहले चरण का मतदान होना है वो 28 अक्टूबर को होगा। ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए समस्तीपुर पहुँचे थे, जहाँ वो अपने चुनावी कैंपेन का आगाज करने वाले थे, लेकिन समस्तीपुर प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज अपने हसनपुर सीट के नामांकन के लिए रोसरा पहुंचे थे। इस दौरान उनके छोटे भाई और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे। बताया जा रहा था कि जब तेज प्रताप यादव अपने नामांकन पर्चा को भरते, इस दौरान उसके बाद चुनावी कैंपेन का तेजस्वी यादव आगाज करते, तेज प्रताप के लिए वो चुनाव प्रचार करते, लेकिन जो समस्तीपुर प्रशासन है इस पर रोक लगा दी है, उनको इजाज़त नहीं दी है, जिसके बाद राजद समर्थकों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली और उन्हें निराशा भी हाथ लगी। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव आज समस्तीपुर में अपने चुनाव प्रचार के जो कैंपेन है उसके आगाज करने वाले थे, लेकिन समस्तीपुर प्रशासन ने इसकी रोक लगाते हुए कहा कि वो इस प्रचार प्रसार को नहीं करने देंगे, जिसके बाद उन्हें बेरंग होकर पटना लौटना पड़ा। आपको बता दें कि जो तेज प्रताप यादव के नामांकन से ये बातें चल रही थी कि तेज प्रताप यादव के लिए तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करते, और इसके अंदर ही अंदर तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन समस्तीपुर प्रशासन ने उनके इस तैयारियों को बेरंग कर दिया और इसकी अनुमति नहीं दी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।